तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक गेम जो कि खेला गया था डिंगलेडन और तोमर रजावोफ के बीच में। तो ये गेम खेला गया था दोस्तों 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में, सेकेंड राउंड में। तो चलिए देखते हैं कि क्या गेम में क्या होता है। तो सबसे पहले डिंगलेडन है वाइट और तोमर रजावोफ है ब्लैक। तो यहाँ पर से डिंगलेडन का फर्स्ट मूव है, तो डिंगलेडन ने दिया C4। उसके बाद तोमर रजावोफ ने रिप्लाई किया Nf6। उसके बाद Nc3, उसके बाद E6, उसके बाद E4, उसके बाद C5, उसके बाद E5। और यहाँ पर से दोस्तों दो ऑप्शन है, एक है Ng4 और एक है Ng8। यहाँ पर से तोमर रजावोफ ने चूज़ किया Ng8। उसके बाद दोस्तों Nf3, उसके बाद दोस्तों Nc6। और यहाँ पर से दोस्तों D4 दिया, उसका C×D4, Nc×D4। और यहाँ पर से दोस्तों डिंगलेडन ने एक पॉन सेक्रीफाइस दिया गेम के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से ही। और तोमर रजावोफ ने एक्सेप्ट भी कर लिया Nc×E5। उसके बाद दोस्तों Nd goes to B5। उसके बाद दोस्तों A6। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से उनका नाइट गया D6 पे, और ये डार्क स्क्वायर दोस्तों बहुत ही वीक हो गया है फिलहाल के लिए। उसके बाद Bc×D6, Qc×D6, और दोस्तों ये Qc×D6 के बाद दोस्तों पूरा डार्क स्क्वायर दोस्तों ब्लैक के डोमिनेट कर रहा है वाइट। और यहाँ पर से दोस्तों दिया गया F6, और ये कुछ ओन पोजीशंस में से एक है जहाँ पर चलता है दोस्तों F6 टाइप का मूव। लेकिन दोस्तों इस F6 का डिसएडवांटेज है, नाइट दोस्तों F6 से नहीं खेल सकता, उसे C7 से खेलना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, तोमर रजावोफ ने दिया F6। उसके बाद दोस्तों Bc×E3, उसके बाद Nc×E7, उसके बाद Bc×B6। दोस्तों यहाँ पर से लग रहा होगा कि ब्लैक का क्वीन ट्रैप हो गया है, लेकिन दोस्तों ये Nc×E7 मूव इसीलिए ही था। तो यहाँ पर से दिया Nf5, उसके बाद Qb4। यहाँ पर से दोस्तों कई सारे पहले गेम्स खेले गए थे, लेकिन ज़्यादातर गेम्स में से यहाँ पर से दोस्तों Qc5 खेला गया था। कस्पोरोव भी यही खेला था एक टाइम पे। लेकिन यहाँ पर से दोस्तों डिंगलेडन एक नया मूव दिया Qb4, उसके बाद दोस्तों Nc6, उसके बाद Qc5, उसके बाद दोस्तों Qe7 ऑफरिंग क्वीन ट्रेड, उसके बाद दोस्तों लॉन्ग कैसल, उसके बाद दोस्तों D6। अभी वो क्वीन ट्रेड नहीं करना चाहता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्वीन के लिए एक ही स्क्वायर था, Qe3। उसके बाद दोस्तों कैसल, और यहाँ पर से दोस्तों लॉन्ग साइड कैसल हुआ है एक साइड, और एक साइड में दोस्तों शॉर्ट साइड कैसल हुआ है। तो ऑपोजाइट साइड कैसल की वजह से अभी डिंग अटैक स्टार्ट कर दिया G4। आइडिया है दोस्तों G5 पुश करके दोस्तों F6 के पॉन को हेरास करना। तो यहाँ पर से दोस्तों Nc×H6, Rc×G1, Nc×F7, और ये दोस्तों Nc×F7 स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है इंजन के द्वारा रिकमेंडेड। और यहाँ पर से दोस्तों F4, उसके बाद दोस्तों Bc×D7 डेवलपिंग पीसेस, उसके बाद H4 किंग साइड में पूरा अटैक स्टार्ट कर दिया है डिंगलेडन। उसके बाद Ha5, उसके बाद दोस्तों फिर से अटैक कर रहा है डिंगलेडन किंग साइड में,
G5, उसके बाद किंग टू H8। आइडिया है दोस्तों रुक को G8 से खिलाने का। उसके बाद दोस्तों क्वीन टू B3, उसके बाद दोस्तों रुक टू C8, उसके बाद दोस्तों किंग टू B1, उसके बाद E5, उसके बाद दोस्तों ये E5 मूव से दोस्तों ये D5 स्क्वायर बहुत ही वीक हो गया है दोस्तों। ये D5 स्क्वायर और ये F5 स्क्वायर बहुत ही वीक हो गया है दोस्तों, इसलिए डिंगलीडन ने नाइट टू D5 दिया। उसके बाद दोस्तों बिशप F5 चेक, उसके बाद दोस्तों किंग टू A1, उसके बाद दोस्तों क्वीन टू E6, उसके बाद जी कैप्चर्स ऑन F6, उसके बाद जी कैप्चर्स ऑन F6, उसके बाद दोस्तों H3। अभी अगर आप दोस्तों पोजीशन को देखेंगे तो वाइट एक ओपन फाइल ले लिया है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर से दोस्तों तुम्हारे जवाब ने दिया रुक AB8, उसके बाद दोस्तों बिशप टू G2, और यहाँ पर से दोस्तों रुक G8। यहाँ पर से दोस्तों आइडिया है कि नाइट E3, और यहाँ पर से दोस्तों आइडिया है कि बिशप को D5 से खिलाने का। यहाँ पर से दोस्तों दिया नाइट टू D5, उसके बाद बिशप क्रॉस जैसन D5 D4, उसके बाद E कैप्चर्स ऑन D4, उसके बाद नाइट कैप्चर्स ऑन F5, उसके बाद दोस्तों क्वीन कैप्चर्स ऑन F5, उसके बाद बिशप टू D5। और बिशप दोस्तों ये काफ़ी अच्छा स्क्वायर पे दोस्तों बैठ गया है ये बिशप, और ये बिशप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बिशप हो गया है। ये एक रुक से भी ज़्यादा महंगा बिशप हो गया है अभी। तो यहाँ पर से दोस्तों रुक कैप्चर्स ऑन G1, रुक कैप्चर्स ऑन G1, उसके बाद दोस्तों नाइट टू H6, उसके बाद दोस्तों क्वीन टू B6, उसके बाद क्वीन टू D7, क्वीन कैप्चर्स ऑन D4, और अभी दोस्तों मटेरियल बोर्ड में इक्वल हो गया है, लेकिन डिंगलीडन का अभी पोजीशन ब्लैक से बहुत बेटर हो गया है दोस्तों। उसका क्वीन और बिशप बहुत ही अच्छा जगह पे फेस हो गया है दोस्तों। यहाँ पर से दोस्तों दिया गया क्वीन टू E7, उसके बाद किंग टू A2, और यहाँ पर से दोस्तों नाइट टू F5, क्वीन टू C3, उसके बाद B6, H5, रुक टू E8, और दोस्तों रुक टू E8 के बाद ये फाइल पूरा ब्लैक का हो गया है। और यहाँ पर से दोस्तों H6 दिया गया, और दोस्तों यहाँ पर से ये पॉन नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर ये पॉन अगर लिया गया तो सिंपली दोस्तों रुक टू E1, और क्वीन के ऊपर अटैक है। अगर क्वीन कैप्चर्स ऑन E1 अगर आएगा तो सिंपली टेक्स कर देंगे और ये दोस्तों मेट हो जाएगा, तो ये तो नहीं करा जा सकता। तो अगर क्वीन अगर कई घर भी अगर मूव भी हुआ तो रुक कैप्चर्स ऑन E8, क्वीन कैप्चर्स ऑन E8, उसके बाद दोस्तों क्वीन कैप्चर्स ऑन F6, और ये फिर से मेट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर से दोस्तों कम्प्लीटली लूजिंग हो गया है अगर वो पॉन को मारेंगे तो। यहाँ पर से तुम्हारा रजाकोव का टाइम भी बहुत ही कम हो गया था, और यहाँ पर जल्दीबाजी में दोस्तों उन्होंने प्ले किया नाइट टू E3, और नाइट टू E3 के बाद दोस्तों यहाँ पर डिंगलीडन ने सिंपली रुक टू E1 दिया, और इस पोजीशन पे दोस्तों तुम्हारा रजाकोव ने रिज़ाइन कर दिया। और ये मूव 41 है दोस्तों, यहाँ पर ही डिंगलीडन ने हरा दिया। और दोस्तों 4 क्लासिकल गेम्स होगा
अभी दो क्लासिकल गेम्स हुआ है, मैंने पहले भी एक को रिकॉर्ड करके रखा था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, मेरे चैनल पे है वो वीडियो, इसके पहले वाले राउंड का फर्स्ट राउंड का वीडियो है। और दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरे वीडियोस को प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों। तो थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।